इमरान की माफी कबूल, तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनाला ने कहा कि इमरान खान ने नेक नियति साबित की और जज से माफी मांगने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। हम इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमईन हैं, ये लार्ज बेंच का मुत्तफिका फैसला है। अदालत ने एतराज उठाकर इमरान खान ने गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा इसका जवाब तफसीली फैसले में देंगे। मुझ पर यही केस बनाना रह गया है कि चाय में रोटी डालकर खाता है। अदालत में पेशी के मौके पर इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा असेंबली में वापस नहीं बैठेंगे। जिस तरह चोरों को दूसरी बार एनआरओ दिया जा रहा है, लोगों में मायूसी फैल चुकी है। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिलने पर इमरान खान ने कहा वाजे हो गया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं। एक सवाल पर कहा जिस तरह हर सियासतदान अच्छा या बुरा नहीं, उसी तरह कहीं अदालतों के फैसले अच्छे हैं कहीं पर नहीं। सहाफी ने सवाल पूछा इलेक्शन कमिश्नर से भी माफी मांगेंगे, तो इमरान खान ने जवाब दिया वो करप्ट है। तोहीन हुई है और सारी दुनिया के सामने हुई है। केस खारिज होने के बजाय ये कहा जाए कि फितने को माफी मिली, दरगुजर हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मरियम नवाज का तबसरा। आर्मी चीफ की तकरीर से मुतालिक हम बिला वजह बावले की बातों को अहमियत दे रहे हैं। इमरान खान इस काबिल नहीं कि उनकी किसी बात को संजीदगी से लिया जाए। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान के चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई से बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया, कहा पीटीआई इस काबिल ही नहीं कि उनसे बात की जाए। यूसुफ रजा गिलानी का इमरान खान को आर्मी चीफ की तकरीर से मुतालिक सड़कों और जलसों में बात न करने का मशवरा। पीडीएम का जिमनी इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी की हिमायत का ऐलान। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया? साइफर में रद्दबदल करके कौमी सलामती से खेला गया। कानून का सामना तो करना होगा, जवाब देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ का इमरान खान के इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर रद्दअमल। वजीर आजम ने कहा साजिशी शख्स इदारों में इंतजार फैलाने की साजिश कर रहा है। आपकी ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार ने इमरान खान को मुंह बंद रखने की वार्निंग दे दी, कहा इखलाक के दायरे में रहें, मेरी वार्निंग को संजीदा लें, वरना मैं उन चंद लोगों में शामिल हूं जिसे इमरान खान से मुतालिक सब कुछ पता है। इमरान खान सन 93 में लाहौर की एम एम आलम रोड पर मेरे दफ्तर के बाहर मुझसे मिलने के लिए इंतजार किया करता था। इसके खिलाफ कैलिफोर्निया से बरतानिया तक अदालती फैसले हैं। मेरे खिलाफ झूठा केस था, एनआरओ इमरान खान खुद मांगता है। डार ने डॉलर से मुतालिक कहा कि डॉलर की असल कीमत 200 रुपए से कम है। 2014 में भी पिंडी के सियासतदान ने कहा था कि डॉलर 100 रुपए से नीचे आया तो सियासत छोड़ दूंगा, मगर मैं डॉलर नीचे लाया। दुनिया में डॉलर मजबूत हो रहा है मगर पाकिस्तान में नीचे आ रहा है, अभी और नीचे आएगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। अदालती फैसले के बाद मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। मरियम नवाज ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पासपोर्ट वापस मिल गया। जिस केस में उनका पासपोर्ट 3 साल जब्त रहा वो केस कभी उनके खिलाफ बना ही नहीं। मरियम ने दावा किया कि उनके जलसों के खौफ से फितने ने उन्हें 3 माह नैब में हबसे भेजा में रखा। तफ्तीश के लिए कोटलखपत जेल के डेथ सेल में रखा गया। जुल्म और इंतकाम पर मबनी फितने की सियासत को एक दिन मिटना ही था। फितने का इबरतनाक अंजाम इसके ताकुब में है। आजाद कश्मीर असेंबली में हंगामा आराई, हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुथम गुथा हो गए। पीटीआई के रुकने असेंबली फहीम रब्बानी ने साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर पर मोबाइल फोन दे मारा। वाकई पर असेंबली के बाहर नून लीग के कारकुनों का एहतजाज, फहीम रब्बानी से माफी मांगने का मुतालिबा। दिलाई के मुकाम पर कोहाला मुजफ्फराबाद शाहरा और मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद शाहरा बंद कर दी गयी। फहीम रब्बानी ने वीडियो बयान में राजा फारूक हैदर से माजरत कर ली। असेंबली में हंगामा आराई कायदे हिस्से खिलाफ चौधरी लतीफ अकबर के इस इल्जाम पर शुरू हुई कि वजीर आजम सरदार तनवीर इमरान खान को पैसे देकर असेंबली में आए। सिंध हुकूमत ने बलदियाती इंतखाबात करवाने से एक बार फिर माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में सिंध पुलिस के खत को जवाब बनाया।
लिखा, सैलाब मुतासरा इलाकों में भी पुलिस फोर्स फराइज अंजाम दे रही है। सिंध पुलिस ने 3 माह के लिए इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत की है। कराची और हैदराबाद डिवीजन में 3 माह के लिए इंतखाबात मौखर किए जाएं। सिंध पुलिस ने अपने खत में कहा था कि अहलकार सैलाब ज्यादा इलाकों में तैनात हैं, बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने 23 अक्टूबर को कराची में इलेक्शन करवाने का ऐलान कर रखा। Absolutely insufficient. So we are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. ये कोई तरीका नहीं है बिल्कुल। भई आपकी जो information, जो relevant information वो नहीं है और interfacing नहीं है, तो ये कैसा dashboard है ये? Hotspots मैंने आपको अभी hotspot था, मैंने इन वे पूछा कि भाई कहाँ क्लाउड कंफर्मेशन रेन खुदा ना खासा कहाँ हो सकती है, तो अगर वो मेट को अगर आपने इंटरफेस नहीं किया तो ये कैसा डैशबोर्ड है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन की मदद से मुतालिक रियल टाइम डैशबोर्ड का इफ्तिताह करने से इनकार। डैशबोर्ड की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान, इफ्तिताह करने की वफाकी वज़ीर अमीनुल हक की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। कहा डैशबोर्ड के आदाद व शुमार रियल टाइम अपडेटेड नहीं, रजाइयाँ कहाँ जा रही है, बेबी फूड कहाँ तकसीम हो रहा है, इसकी तफसील कहाँ है, वक्त जाया किया गया, ये ऐसा डैशबोर्ड नहीं जो उन्हें और कौम को दरकार है। वज़ीर आज़म ने डैशबोर्ड अपडेट करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया, कहा खामियां दूर कर दें, इफ्तिताह करने आ जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 1 हफ्ते के दौरे पर अमरीका में मौजूद। आर्मी चीफ के अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, अमरीका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर एविल हेन्स और CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स से मुलाकातों का इम्कान है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से भी उनकी मुलाकात का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीका में सेक्रेटरी जनरल अक़वामे मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइजर जनरल बेरामे डेविस से मुलाकात की। अक़वामे मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइजर ने सैलाब मुतासरीन के लिए मुकम्मल तआवुन की अपनी निशानी करवाई है। न राशन, न खेमे, न दवाएं, न मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त। पदीदन में सैलाब मुतासर अफराद कढ़ाव के जरिए मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने पर मजबूर। दादू में कश्ती मालिकान मुतासरीन को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए भारी किराए लेने लगे। एक मुसाफिर का 100 रुपए, हल्के सामान का किराया 200 रुपए और भारी सामान का 500 से 1000 रुपए तक किराया लिया जा रहा है। टंडू अलायार में पानी खड़ा रहने से गन्ने, कपास और केले की फसलें तबाह। गंदुम और प्याज की फसल की बुआई में मुश्किलात। मटियारी में आबादगारों का सैलाबी पानी की निकासी न होने के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहराह पर धरना देकर सड़क बंद कर दी। से पानी बहुत कम सूरत में निकल रहा है। सारे बंदे दर पदर, बच्चे दर पदर कश्तियों पे जाते हैं, 1000 रुपए लेते हैं, आते हैं 1000 रुपए लेते हैं। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं बचा। सरकार की नाहली की तरफ से हमारा पानी यहाँ पर मुसलसल खड़ा है, वो निकल नहीं रहा। तकरीबन 1 माह हो चुका है, महीना, लेकिन अभी तक कोई टीम नहीं पहुँची। काफी सारे वहाँ पर बंदे मौजूद है। सिंध के जिला दादू में हिफाजती पश्तों सड़कों, खैमा बस्तियों और इमदादी कैंप्स में 8 लाख मुतासरीन पना गजीन। 3 तहसीलों में हड़, खैरपुर, नासिर, शाह जोही के 500 से ज्यादा देहात और 100 से ज्यादा राबता सड़कें अब तक जेरे आब। मुतासरीन नकलो हरकत के लिए कश्तियों के भारी किराए देने पर मजबूर। ग्रिड स्टेशन की बंदिश के बायस खैरपुर, नासिर, शाह समेत 400 से ज्यादा देहात अब तक बिजली से महरूम। काछू के इलाके गाजी शाह में मलेरिया के बायस मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। सैलाब का दुख अपनी जगह, बच्चे की विलादत सैलाब मुतासरीन के चेहरों पर भी मुस्कुराहट ले आई। नौशहरो फिरोज की खैमा बस्ती में बच्चे की पैदाइश पर जश्न, ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया गया। वालिदैन ने बच्चे का नाम सैलाब खान रख दिया। कराची में डेंगू बेकाबू, सितंबर के हिसाब का रिकॉर्ड टूट गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवां साल सितंबर में कराची में 6000 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासर हुए, 36 संवाद हुए। गुजश्ता साल सितंबर में कराची में 403 अफराद डेंगू वायरस से बीमार हुए थे। 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 230, लाहौर में 99 नए मरीज रिपोर्ट, इस्लामाबाद में मजीद 44 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। मुखन्नस अफराद के हुकूक के तहफ्फुज़ का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। बिल में कहा गया है कि इंटरसेक्स शनाख्त से मुराद जिस्मानी, जिंसी खदोखाल या पैदायशी भाम हो, जिंस पर तनाज़ होने पर नोटिफाई करदा मेडिकल बोर्ड शख्स की जिंस का तायुन करेगा। इंटरसेक्स शख्स को डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर रजिस्टर होने का हक हासिल होगा।
इंटरसेक्स शख्स को मेडिकल रिपोर्ट पर शिनाख्ती कार्ड चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का हक होगा। इंटरसेक्स शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए रजिस्टर करने का हक होगा। इंटरसेक्स शख्स से तालीमी इदारे और मुलाजमत में इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। इंटरसेक्स मर्द का विरासत में मर्द और इंटरसेक्स औरत का खातून के बराबर हिस्सा होगा। जाम शोरों में पढ़ाई मुकम्मल करने की ख्वाहिशमंद बीवी को शोहर ने कत्ल कर दिया। खातून सिंध यूनिवर्सिटी के शोबा आर्ट एंड डिजाइन में फाइनल ईयर की तालिबा फिर पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी, शोहर इस पर राजी नहीं था। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ जुर्म कर लिया। खातून की लाश 26 सितंबर को नूरियाबाद के गांव से मिली। कहा गया कि आज के बाद फेसबुक और ट्विटर इस्तेमाल नहीं करना। लापता होने के बाद बाजियाब शहरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत का आईजी इस्लामाबाद को वाकई की तहकीकात का हुक्म। दौरान समात वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि तहकीकात की शहरी उनकी किसी एजेंसी के पास नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दारुल हुकूमत में ऐसे वाकयात होना तशवीशनाक बात है, हम कहीं तोरा बोरा में तो नहीं बैठे हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अख्तर मैंगल को बलोच तलबा के मामले पर कायम कमीशन का कन्वीनर मुकर्रर कर दिया। हुकूमत को हिदायत की कि 3 रोज में अख्तर मैंगल को कमीशन का कन्वीनर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, कमीशन का सेक्रेटेरिएट सेनेट में बनाया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बलोच तलबा क्यों गैर महफूज है, अदालत इस पर अलग से ऑर्डर करेगी। कमीशन 1 माह में बलोच तलबा को हरासा करने से रोकने के बारे में रिपोर्ट पेश करे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना 6ठे रोज भी जारी। मुतालिबात की मंजूरी के लिए किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की आज वज़ीरे आज़म से मुलाकात का इम्कान। मोनिस इलाही के खिलाफ FIA में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा लाहौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मोनिस इलाही की दरख्वास्त मंजूर। मोनिस इलाही फैमिली पर नायब कासिद के जरिए 1 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। चौकीदार आपके इकदार और कुर्सी के नहीं, मुल्क की दिफा और सलामती के मुहाफिज हैं। वफाकी वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा कौम फॉरन एजेंट और कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ करने वाले आयन शिकन को माफ नहीं करेगी। इमरान खान इसलिए बड़बड़ा रहे हैं कि आज उनकी बेसाखियां उनके साथ नहीं। टैक्सिला के जलसे में खिताब करते हुए इमरान खान ने एक दफा फिर कहा कि अगर आपके घर डाका पड़े और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं तो क्या आप चौकीदार को माफ कर देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की को रिवर्स कर दिया गया है। दुनिया में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें कम हो गई। आलमी मार्केट में तेल और घरेलू अशिया की कीमतें 36% कम हो गई, यहां महंगी है। मौजूदा हुकूमत अपने मुकदमात खत्म करवाने पर लगी हुई है। वजीर इत्तला'आत सिंह शर्जील मेमन का कहना है जो सहूलियात लाडले के लिए हैं वो किसी और के लिए नहीं। वो इदारों के खिलाफ बेहुदा मुहिम चलाता है और जजेस को धमकी देता है। जिस तरह इमरान खान ने माफी मांगी वो भी सबने देखी। कहते थे जेल जाने से नहीं डरते, फिर इतवार को जमानत ले आए। FBR इमरान खान के अस्पताल का ऑडिट करे। रहनुमा PTI श्री मजारी की एक और फेक न्यूज। पाकिस्तानी VIP शख्सियत के द्वारा अमेरिका पर इल्जाम की साजिश का भांडा फूट गया। श्री मजारी को आज एक और ट्वीट करके डिलीट करना पड़ी। श्री मजारी ने सन 2021 की CNN की खबर टैग करके लिखा, पता चला फौजी अड्डों के लिए इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट पर अमेरिका ने क्यों पाकिस्तान में उनकी हुकूमत खत्म करने की साजिश रचाई। श्री मजारी ने लिखा कि क्या DG ISPR इस पर रोशनी डालेंगे, क्या इसीलिए पाकिस्तान की VIP शख्सियत इन दोनों अमरीकी दौरे पर है। अक्टूबर 2021 की जो खबर श्री मजारी ने टैग की वो खुद इमरान खान की हुकूमत के दौर में अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमरीका को पाकिस्तानी फजाई हदूद देने के माहदे के इम्कान के बारे में थी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर सत्यम खान की मुलाकात। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट जल्द मंजूर कराने पर इत्तेफाक। तालीमी इदारों में मुनशियात की रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी की जाएगी। परवेज इलाही ने कहा कि मुनशियात के सद्देबाद के लिए खुद मुख्तार इदारा कायम किया जाएगा। जियो जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को मतनाज़े बनाने की कोशिश करने और बदनाम करने के इल्जाम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची जुनूबी ने ARY चैनल के मालिक सलमान इकबाल और एंकर अरशद शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया।
नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। एआरवाई के चीफ एग्जीक्यूटिव और एंकर ने एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई और अदालती फैसला गलत पेश किया। टीआरवाई लंदन एडिटर इन चीफ जंग जियो को बदनाम करने समेत कई केसेस में कई बार पहले ही माफी मांग चुका है। डॉलर की कदर में आज मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1.16 रूपये सस्ता होकर 227.29 रूपये का हो गया। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के 4 अरब डॉलर तक बैरून मुल्क मौजूद हैं। फ्रीलांसर्स ने यकीन दहानी कराई थी कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोलने की सूरत में ले आएंगे। स्टेट बैंक और एफबीआर को बैठाकर मामला को हल किया जाए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तजारत में तजवीज। कहा पाकिस्तान दुनिया में 35 आईटी मार्केट्स में बरामदात कर रहा है। आइंदा 5 बरस में आईटी बरामदात 50 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं। उम्रे की सआदत हासिल करने वाले जायरीन सऊदी अरब में 3 माह कयाम कर सकेंगे। सऊदी वजीर हज ने खुशखबरी सुना दी। ताशकंद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन उम्रा और ज्यारत वीजों का इजरा आसान बना दिया है। अब दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले उम्रा जायरीन को 3 माह तक मुमलिकत में कयाम की इजाजत होगी। पहले उम्रा वीजे का दौरानिया 1 माह था। तिब का नोबेल इनाम। स्वीडन के स्वांते पाबो के नाम उन्हें इंसानों की इब्तदाई और नापैद हो जाने वाली नस्ल नियंडरथेल का जीनोम तरतीब देने पर नोबेल इनाम देने का ऐलान किया गया है। स्वांते पाबो का ये काम इंसानी इर्तका के अमल और तारीख पर तहकीक को आगे बढ़ाएगा और ये समझने में मदद देगा कि हम कहां से आए हैं और नापैद हो जाने वाली इंसानी नस्लों के बरक्स हम अब तक कैसे फल फूल रहे हैं। नॉकस बोलिंग, खराब फील्डिंग, फ्लॉप बैटिंग, पाकिस्तान टीम साफ में T20 में ढेर हो गई। इंग्लैंड ने मैच और सीरीज अपने नाम कर ली। आखिरी मैच में 67 रन से पाकिस्तान को शिकस्त। 209 रन के ताकुब में बाबर और रिजवान पहले 2 ओवर्स में पवेलियन लौट गए। मिडिल ऑर्डर पूरी सीरीज की तरह फैसला को मैच में भी काम नहीं आया। कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर शाकीन मायूस। आखिरी T20 में शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर शाकीन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आड़े हाथों लिया। मीम्स और दिलचस्प तबसरों से दिल की भड़ास निकाली। कोई पाकिस्तानी फील्डर्स पर तनकीद करता रहा तो किसी ने वर्ल्ड कप से कभी पाकिस्तान के लिए सीरीज को तबाहकुन करार दे दिया। क्रिकेट फैंस ने खुशदिल शाह के सुस्त बैटिंग पर भी शिकवा किया। किसी ने मायूसी का इजहार करते हुए लिखा कि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। पाकिस्तान और इंग्लैंड की T20 सीरीज में तमाशाइयों की हाजिरी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 97.35% शायकीने क्रिकेट ने कराची और लाहौर के स्टेडियम में मैच देखकर तारीख रकम कर दी। 7 T20 मैचेस में 1,89,595 शायकीन ने स्टेडियम का रुख किया। कराची में 1,26,550 शायकीन ने मैचेस देखे। लाहौर में 63,045 शायकीन मैच देखने आए। लाहौर कैलेंडर्स ने विमेन क्रिकेट की डेवलपमेंट पर भी काम शुरू कर दिया। लाहौर के कनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में लाहौर कैलेंडर्स के सीईओ राणा आतिफ ने डायरेक्टर आकिब जावेद की शिरकत। राणा आतिफ ने कहा कि कनेट कॉलेज ने विमेन क्रिकेट के फरोग के लिए हमेशा काम किया। ख्वाहिश है कि कनेट कॉलेज के साथ मिलकर काम करें। दूसरा ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट पंजाब कलर्स ने जीत लिया। फाइनल में पंजाब ने सिंध को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। टूर्नामेंट का फाइनल मैच जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाया गया। और जियो फिल्म्स की पेशकश प्रोड्यूसर अमारा हिकमत और नई नस्ल के डायरेक्टर बिलाल लाशारी की शाहकार फिल्म मौला जट की रिलीज की तैयारियां उरूज पर। द लेजेंड ऑफ मौला जट के मदाहों के लिए खुशखबरी। फिल्म की एडवांस बुकिंग का आगाज कर दिया गया। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।